हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड टेक पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों के लिए टैली, अकाउंटिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूं, जो कि टैली, अकाउंटिंग या फिर कंप्यूटर में वर्क करने वालों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कि टैली का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो टैली को सीख करके अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क टैली में करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे सीरीज का स्टार्ट करें, जिस सीरीज के दोस्तों हर वीडियो में हम आपको टैली को बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर स्टेप बाय स्टेप अपने हर वीडियो में आपको सिखाते चले जाएंगे। जिससे जैसे कि दोस्तों, टैली में कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, इन्वेंटरी क्रिएट करना, स्टॉक मेंटेन करना, सेल्स, परचेज, जनरल, कॉन्ट्रा, ये सभी दोस्तों जो बेसिक चीजें हैं, हम आपको अपने हर वीडियो में सिखाते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज का दोस्तों स्टार्ट हम आज ही से कर रहे हैं। आज के वीडियो में दोस्तों, हम आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना बताएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, हम अपने हर वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप टैली का ट्यूटोरियल देते जाएंगे। तो आइए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जब आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं, जिससे कि हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। तो आइए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना और लेजर क्रिएट करना बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, हम टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं, टैली जो है ओपन हो चुका है और आपको यहां पर गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपको इस गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में रह कर ही आपको अल्टर और F3 की को प्रेस करना है। हम अल्ट और F3 की को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आपको यहां पर कंपनी इन्फो का ऑप्शन नजर आएगा और यहां पर आपको थर्ड नंबर में क्रिएट कंपनी का ऑप्शन नजर आएगा, क्योंकि हमें कंपनी क्रिएट करना है, इसलिए हम क्रिएट कंपनी में आकर के एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो आपको यहां पर कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन नजर आएगा। कंपनी क्रिएशन में दोस्तों, आपको अपने कंपनी के बेसिक जो डिटेल्स है, उसे ही यहां पर फिल करना है। आइए सबसे पहले हम अपने कंपनी के नेम को यहां पर एंटर करते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम SK ट्रेडर्स है, तो हम यहाँ पर SK ट्रेडर्स एंटर कर देंगे। और मेलिंग नेम में भी आपके कंपनी का नाम ही रहेगा और एड्रेस में आप अपने कंपनी का एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद जो भी आपकी कंपनी के बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि कंट्री, स्टेट, ये सभी को आपको फिल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और आपके यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स में फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, जो भी आपके कंपनी का आपके पास अवेलेबल है, उसे आप यहां पर फिल कर देंगे। और उसके बाद आपको यहां पर बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स का ऑप्शन नजर आएगा। उसमें फर्स्ट में आपको फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष जो है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 टाइप कर देंगे। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी आपको सेम डेट रखना है, उसमें चेंजेस नहीं करना है। और एंटर की सहायता से आप नीचे आएंगे और यहां पर आपको बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में आपको बेस करेंसी सिंबल रुपीस रहेगा, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीस रहेगा, ये सब आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी टैली आपकी कंपनी में पहले से फिल रहेंगे, उसको आपको सिर्फ एंटर की सहायता से सेव कर देना है। तो दोस्तों, हमारा कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं, यहाँ साइड में आपको SK ट्रेडर्स नाम से कंपनी नजर आ रहा होगा, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा कंपनी क्रिएशन। एक बार आप अपने कंपनी को चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, अल्टर और F3 की को प्रेस करेंगे। अल्टर और F3 की को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन नजर आएगा, उसमें जाकर के आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको अपनी सारी कंपनियां यहाँ पर नजर आएगी। आप देख सकते हैं, सबसे नीचे में SK ट्रेडर्स कंपनी आपको नजर आ रहा है, जिसे कि अभी हमने क्रिएट किया है। अब देखा दोस्तों, आप कितनी आसानी से टैली में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं टैली में लेजर क्रिएट करना। दोस्तों, टैली में लेजर क्रिएट करना भी बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली में ही आपको अकाउंट इन्फो का ऑप्शन नजर आएगा।
आपको सिंपली इस अकाउंट इन्फो के ऑप्शन में जाकर के एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप्स। क्योंकि अभी आपको लेजर क्रिएट करना है इसलिए मैं आपको लेजर क्रिएट करना बता देता हूँ। लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों आप लेजर में जाकर के एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर का ऑप्शन नजर आएगा। क्योंकि अभी आपको क्रिएट करना है लेजर इसलिए आप क्रिएट में जाकर के एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको लेजर क्रिएशन का एक ऑप्शन नजर आएगा, उसमें आपको जिस भी नाम से लेजर क्रिएट करना है उस नाम को आपको यहाँ पर एंटर करना है। मान लीजिए हमारी कोई पार्टी है जिससे कि हम मटेरियल परचेस करते हैं, उसका लेजर हमें बनाना है और उस पार्टी का नाम है शिव ट्रेडर्स, तो हम यहाँ पर शिव ट्रेडर्स टाइप कर लेते हैं और एंटर की सहायता से हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अंडर का ऑप्शन नजर आएगा, इसका मतलब दोस्तों आप जो लेजर क्रिएट कर रहे हैं आपको उसे किसी ग्रुप के अंडर में रखना होता है। क्योंकि हम शिव ट्रेडर्स जो है उससे हम मटेरियल परचेस करते हैं, इसका मतलब वह हमारा लेनदार हुआ, इसलिए हम उसे सेंडरी क्रिएटर में रखेंगे। एक बार आप इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिससे आप मटेरियल परचेस करते हैं वो आपका लेनदार होता है, जिससे कि हम टैली में सेंडरी क्रिएटर में रखेंगे, और जिसको आप मटेरियल सेल करते हैं वो आपका डेटर होता है या देनदार होता है। क्योंकि शिव ट्रेडर्स जो है हमारा लेनदार है, क्योंकि हम उसे मटेरियल परचेस करते हैं इसलिए हम इसे सेंडरी डेटर के अंडर में रखेंगे। जैसे ही आप एस यू एन डी आर ए टी आर वाई ट्राइप करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन खुद नजर आएंगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन को क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि शिव ट्रेडर्स जो है हमारा लेनदार है, ठीक है दोस्तों। और अगर हमारा ये देनदार होता तो हम सेंडरी डेटर को चूज करते, ठीक है। और उसके बाद हम एंटर की सहायता से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन नजर आएगा, उसको आपको यस रखना है और एंटर की सहायता से आपको इसे सेव करते चले जाना है। एड्रेस में आप अपने पार्टी का एड्रेस टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पार्टी का बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आपको यहाँ पर एंटर करते हुए एंटर की सहायता से सेव कर देना है। हमारा जो है लेजर भी क्रिएट हो चुका है, आप उसको फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। आप फिर से गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे और DAL जो कि एक शॉर्टकट की है उसकी सहायता से आप नेम ऑफ लेजर का फॉर्मेट को ओपन करेंगे और जिस पार्टी का लेजर को आपको ओपन करना है या चेक करना है उसे आप यहाँ पर टाइप करें। अभी हमने शिव ट्रेडर्स नाम से लेजर बनाया, इसलिए हम यहाँ पर शिव ट्रेडर्स टाइप करते हैं तो देख सकते हैं शिव ट्रेडर्स आ चुका है, क्योंकि अभी हमने इसे क्रिएट किया है। और जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो हमारा लेजर जो है ओपन हो चुका है। लेकिन दोस्तों चूंकि अभी हमने ये लेजर को अभी हमने क्रिएट किया है, इसे किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ब्लैंक नजर आ रहा है। तो आपने देखा दोस्तों आप कितने आसानी से टैली में कंपनी और लेजर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा टैली, अकाउंटिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके।